आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज अब तक में, जो दिखाएगा राज्य की ताजा तरीन खबरें। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शारदीय नवरात्रि का आठवां दिन घर मंदिर पंडालों में कन्या पूजन के साथ कई प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या एक छोटी सी कन्या। नवरात्रि के आठवें दिन जहां माँ गौरी की पूजा की जाती है, वहीं आदिशक्ति दुर्गा का महागौरी है। माँ का रंग अत्यंत गोरा है, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि अपनी कठिन तपस्या से माँ ने गौर वर्ण प्राप्त किया, तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी धनेश्वर प्रदायिनी शारीरिक मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी के नाम से जाना जाता है। पूरे शहर में अष्टमी के दिन एक अलग ही भक्ति की लहर कायम है। वहीं दूसरी ओर नवरात्रि के अंतिम चरण में घर मंदिर व पंडालों में अष्टमी के दिन पूजन का आयोजन किया जा रहा है। नवरात्र में कन्या पूजन का एक अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन करने के बाद ही 9 दिनों का महत्व पूरा होता है। साथ ही पंडालों में माता को प्रसन्न करने के लिए भक्ति के साथ कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जहां प्रतियोगिताओं के साथ मनोरंजन का माहौल भी बना। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या एक छोटी सी कन्या। उज्जैन में शहर की सुख समृद्धि की कामना को लेकर नवरात्रि की महाअष्टमी पर कलेक्टर ने 24 खंभा माता को लगाया मदिरा का भोग। उज्जैन के गुदरी चौराहा के समीप स्थित प्राचीन 24 खंभा देवी मंदिर में सरकारी पूजन किया गया। पूजन अर्चन के साथ माता को चुनरी व अन्य सामग्री अर्पित की गई। पूजन के बाद 24 खंभा मंदिर स्थित माँ महामाया व महालाया को कलेक्टर समीप मनीष सिंह ने मदिरा की धार चढ़ाई। साथ ही कलेक्टर ने पुजारी के साथ भोग भी लगाया। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उपस्थित लोगों ने शहर में सुख समृद्धि की प्रार्थना भी की। इसी के साथ ही सरकारी नगर पूजन की शुरुआत भी हुई। सरकारी अमले ने ढोल ढगाड़ों के साथ कलश में मदिरा धार चढ़ाते हुए 40 से अधिक देवी भैरव मंदिरों में पूजन शुरू किया। नगर पूजन के बाद रात में गढ़कालिका मंदिर पर अंतिम देवी के रूप में पूजा के पश्चात अंकपात के समीप हांडीफोर्ड भैरव मंदिर में नगर पूजन का समापन किया। पूजन के बाद प्रसाद के रूप में सभी को मदिरा वितरित की गई। पूजन होता है, इसमें देवी माँ को मदिरा चढ़ाई जाती है। फिर सरकारी पूजन रहता है और सरकारी हमारे सारे कोटवार और जो सरकारी कर्मचारी हैं तहसील के, वो सब एक यात्रा में निकलते हैं। मदिरा के बूंद जो है वो पृथ्वी पे पड़ती है। मूलतः जितनी देवी माँ 40 देवी मंदिर में जाते हैं, लगभग ये 27 किलोमीटर 26 किलोमीटर की रहती है। समापन इसका काटापुर भैरव पे होता है। एक ही बार यहाँ पर नगर पूजा होती है, वो भी कलेक्टर द्वारा मदिरा पान करवाया जाता है और यही प्रसाद सब श्रद्धालुओं को बांटा जाता है। त्योहारों और आगामी चुनाव के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए राजधानी भोपाल के DIG धर्मेंद्र चौधरी के मार्गदर्शन में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में जिला पुलिस SAF SDF RAF और CRPF का बल शामिल हुआ। इंदौर में चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंदौर पुलिस ने निकाला डोमिनेशन मार्च। पुलिस के ASP के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल हर क्षेत्र में कर रहा फ्लैग मार्च।
राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर विधानसभा चुनाव के लिए 57 संभावित प्रत्याशियों की सूची जारी की। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों से अपने प्रत्याशी उतारेगी। प्रथम चरण में संभावित सूची हम 57 प्रत्याशियों की आज जारी कर रहे हैं, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जिलों से और विभिन्न विधानसभाओं से हमने हमारे प्रत्याशियों को घोषित किया है। राजधानी भोपाल के थाना निषादपुरा पुलिस ने अवैध हथियार तस्कर गिरोह का किया पर्दाफाश। 6 हथियार तस्कर हिरासत में। मामले का खुलासा DIG धर्मेंद्र चौधरी ने पत्रकार वार्ता में किया। मैं निषादपुरा और हनुमानगंज पुलिस में SP नाथ, हेमंत चौहान और शशांक SP नीरज सोनी और पूरी टीम के साथ 7 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें 11 अवैध कट्टे और रिवॉल्वर और 8 तलवार से बरामद की गई। ग्वालियर में माता के पंडाल पर गिरी घर की छत, मलबे में दबकर 4 लोग घायल, 1 बच्चे की मौके पर ही मौत। मल्ला मंडी के पीछे माधवनगर में माता बैठा ली हुई थी, जिस जगह माता का पंडाल लगा था उससे लगा हुआ एक छज्जा था जो जर्जर हालत में था। रात को ये कुछ लोग विशाल वातावरण के परिजन उस छज्जे के नीचे माता की देख रेख में सो रहे थे। अचानक सुबह 5 बजे करीब वो छज्जा गिर गया है, जिससे विशाल के सिर पे गिरने से उसकी मृत्यु हो गई है तथा उसके पिता घायल हैं इस समय। सतना में एक बार फिर रफ्तार का कहर मौत बनकर टूटा। महाअष्टमी पूजा के लिए जा रहे एक ही परिवार के 6 लोगों को ट्रक ने कुचला, मौके पर 4 की मौत। सतना में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार से ट्रक ने 6 लोगों को कुचल डाला, जिसमें मौके पर 3 लोगों ने दम तोड़ दिया तो वहीं एक बच्ची ने उपचार के दौरान जिला अस्पताल में आखिरी सांस ली। मृतकों में एक बच्चा, एक बच्ची व 2 महिलाएं शामिल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब एक ही परिवार के 6 सदस्य सुबह 5 बजे पास ही के बिल्डर रोड से होकर कोटर की तरफ मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस वक्त सतना से सिमरिया जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने इनको कुचल दिया। दुर्घटना के बाद कोलगवर थाना सहित 3 थाने से पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। SDM PS त्रिपाठी ने बताया कि ट्रक की पहचान के लिए दर्शनीय व CCTV फुटेज की सहायता ली जा रही है। दुर्घटना के दौरान निर्धारित मुआवजे की राशि पीड़ित पक्ष को दिया जाएगा। सुबह करीब 4:30 के आसपास, और यहाँ पर क्या न कि एक ट्रक जो है तो क्या न कि गुजरा है और उनको जो है तो रौंदते हुए चला गया है। यहाँ पर क्या न कि न कोई क्या न कि प्रशासन है न कुछ है, यह बिरला फैक्ट्री से इधर जो है आए थे, मतलब घटना यहाँ होती ही रहती है। यहाँ पर क्या न कि अभी साल भर के अंदर मतलब ये 3rd-4th घटना हो गई। आज के किस 4 लोग खत्म हुए, 3 तो यहाँ अनिस्पार्ट, 3 तो क्या है कि यहाँ अनिस्पार्ट खत्म हुई और जो बच्ची थी वो जो हॉस्पिटल में खत्म। घर के सदस्य जो है मंदिर जा रहे थे अपने घर से सुबह लगभग 4:30 के आसपास, तो ऐसा बता रहे हैं कि 2 ट्रक जो है वो तेजी से इधर बाबूपुर तरफ जा रहे थे और इसे ही एक्सीडेंट हुआ, 3 लोग स्पॉट पर खत्म। ग्वालियर में साईं भक्त मंडल ट्रस्ट द्वारा 18 से 28 अक्टूबर तक साईं शताब्दी पर्व एवं पुण्यतिथि महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जानकारी प्रेस वार्ता आयोजित कर दी गई। बाबा की समाधि शताब्दी वर्ष इस साल है। बाबा ने दशहरे वाले दिन सन 1918 में समाधि बाबा ब्रह्मलीन हुए, समाधि ली बाबा ने, तो उस उपलक्ष्य में बाबा का शताब्दी समारोह वर्ष मनाया जा रहा है। वैसे भी हर साल हम पुण्यतिथि उत्सव दशहरे पर मनाते हैं 3 दिन का, लेकिन इस बार हमारा आयोजन 10 दिन का है, 18 से 28 तक। उस आयोजन में प्रमुख रूप 18 को वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ वेद पाठ के साथ प्रारंभ होगा। ग्वालियर में बीते दिनों LNIPE कॉलेज के कुलपति ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, बिना किसी रिकॉर्ड छात्रों को दी छुट्टी और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पहुँचाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में LNIPE विश्वविद्यालय के कुलपति दिलीप ढुरैया ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। कुलपति दिलीप ढुरैया ने बिना किसी ऑन रिकॉर्ड के 150 लड़कियों की छुट्टी कर उनको शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में भिजवाया। वहीं शिवराज सिंह चौहान के साथ मन साझा किया और प्रशासन की
कुलपति ने विश्वविद्यालय प्रशासन की गाड़ियों का प्रयोग भाजपा के चुनावी कैंपेन में किया एवं विद्यार्थियों को बिना किसी कारण के क्लासों की छुट्टी करके शिवराज सिंह चौहान की कार में पहुंचाया, जिससे उन्होंने न सिर्फ आचार संहिता का उल्लंघन किया बल्कि कुलपति की सीमाओं का भी उल्लंघन किया। होटल के लेडीज टॉयलेट में घुस रहा था बसपा नेता का बेटा, रोका तो महिला पर खुलेआम पिस्तौल लहराई, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली में एक 5-स्टार होटल के बाहर गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां बीएसपी के पूर्व सांसद राकेश पांडे के बेटे आशीष पांडे ने न सिर्फ बंदूक लहराई बल्कि सामने खड़ी लड़की पर बंदूक तान दी। इस दौरान आशीष लड़की और उसके साथी को गालियां भी दे रहा है। आशीष पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। देखने वाली बात यह रही कि इस दौरान होटल के सुरक्षा कर्मी मुख दर्शन बने रहे। ये थी अब तक की खबरें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ अब तक, आपकी बात हमारे साथ। नमस्कार।